नमस्कार, एक बार फिर हमेशा की तरह धेय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं अपने डेली एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए महिला एवं विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। बीते 12 फरवरी को केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री ने एक स्माइल योजना की शुरुआत की। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। ये योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक योजना के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इनमें दो उप योजनाएं शामिल हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए समग्र पुनर्वास की केंद्रीय योजना और भीख मांगने वालों के समग्र पुनर्वास की केंद्रीय योजना। इसका उद्देश्य इन समूहों को सशक्त बनाना है ताकि वे आवश्यक कानूनी सुरक्षा और सुरक्षित जीवन पा सकें। ये योजना पहचान, चिकित्सा सेवा, शिक्षा, व्यावसायिक अवसरों और आश्रय के कई आयामों के माध्यम से उनकी सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखती है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में EOS 4 सुर्खियों में रहा है, ये क्या है? ऑप्शन ए एक भारतीय सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी स्वदेश निर्मित भारतीय पनडुब्बी, ऑप्शन सी एक रडार इमेजिंग उपग्रह, या ऑप्शन डी कारगिल क्षेत्र में एक पहाड़ी चोटी का नाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, EOS 4 एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। इसे आज यानी कि 14 फरवरी को सुबह 5:59 पर PSLV C-52 के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसरो का ये साल 2022 का पहला मिशन है, वहीं PSLV की ये 54वीं उड़ान है। PSLV के माध्यम से इसमें दो छोटे उपग्रहों को भी भेजा गया है, जिसमें इंस्पायर सेट 1 और INS 2TD भी शामिल है। EOS 4 का उपयोग पृथ्वी की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में होगा। इनसे कृषि, वन, पौधारोपण, मिट्टी में नमी, पानी उपलब्धता और बाढ़ग्रस्त इलाकों के नक्शे को तैयार करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कृषि निर्यात संगठन APIDA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या सत्य हैं? पहला, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। दूसरा, 13 फरवरी 1986 को स्थापित ये संगठन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि केवल पहला। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि APIDA की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। 13 फरवरी 1986 को स्थापित ये संगठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका काम कृषि एवं अन्य संबंधित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। बीते 13 फरवरी को APIDA ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इस संगठन ने कृषि निर्यात बढ़ाने में सरकार का सक्रिय रूप से सहयोग किया है, जिसके कारण ये 1986 में $60 करोड़ के निर्यात से 2020-21 में 20 अरब 67 करोड़ तक पहुंच गया था। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास मिलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए मिलन एक वार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास की एक सीरीज है। ऑप्शन बी इसका उद्देश्य मित्र राष्ट्र की नौसेनाओं के बीच व्यावसायिक संपर्कों को बढ़ाना एवं सामुद्रिक क्षेत्र में एक दूसरे के सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों से ज्ञान प्राप्त करना है। ऑप्शन सी इसके मौजूदा यानी कि 2022 संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। ऑप्शन डी
कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने मिलन 2022 को टाल दिया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास की एक सीरीज है। साल 1995 में शुरू की गई इस अभ्यास का उद्देश्य मित्र राष्ट्र की नौसेनाओं के बीच व्यावसायिक संपर्कों को बढ़ाना एवं सामुद्रिक क्षेत्र में एक दूसरे की शक्तियों तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों से ज्ञान प्राप्त करना है। अब तक इसके 10 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। आगामी 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापट्टनम में इसका 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया गया है। इस मौजूदा संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने मिलन 2022 को टाल दिया था। और अब बढ़ते हैं अपने पांचवे और आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या हैं? पहला, इनके सम्मान में इनकी जयंती पर भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दूसरा, वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों। सुप्रसिद्ध कवियत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और नारीवादी आंदोलन की प्रखर नेता के रूप में सरोजिनी नायडू का नाम हमेशा भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन देश की स्वर कोकिला कही जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थी बल्कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। वे 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण अंग्रेजों ने उन्हें 21 महीने तक जेल में रखा था। वे भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो फिर ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। UPPCS क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय IAS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ ₹100 में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपील करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय IAS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।